हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटेक सेलेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो में हम आपको कौन कौन सी एक्शन फाइल देने वाले हैं, तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि इस एक्शन फाइल से आपको कौन कौन से कार्ड यानी कि आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे सामने देखिए आयुष्मान कार्ड प्रिंट होकर के यहाँ पे मैंने ओपन किया, मतलब यहाँ पे 5 कार्ड हमारा ओपन है। और आप अगर एक्शन फाइल लेते हैं तो आप एक क्लिक में अगर एक आयुष्मान प्रिंट करना है तो आप एक कर सकते हैं, 5 करना है तो 5 कर सकते हैं, 10 करना है तो 10 कर सकते हैं। आपके पास जितना भी कार्ड होगा, जैसे भी कस्टमर आते हैं उनके हिसाब से आपको अगर ज़्यादा कार्ड प्रिंट करना है तो आपको ज़्यादा फाइल इसमें मिल जाएंगी। अगर एक कार्ड ओपन करेंगे तो एक बटन दबाएंगे, 5 कार्ड ओपन करेंगे तो 5 वाला बटन दबाएंगे, तो इस तरह से आपको करना होगा। देखिए यहाँ पे आयुष्मान कार्ड इस तरह से प्रिंटेड है। अब देखिए यहाँ पे ई श्रम कार्ड, अगर आपको ई श्रम कार्ड प्रिंट करने के लिए आता है तो ई श्रम कार्ड में भी सेम है, एक कार्ड प्रिंट करना तो एक बटन दबाइए, 5 करना तो 5 दबाइए। ठीक, और वोटर कार्ड देखिए यहाँ पे वोटर कार्ड भी है, सेम वोटर कार्ड में भी है, आपको जिस तरह से प्रिंटिंग करनी है उस तरह से आप प्रिंटिंग कीजिए, एक कार्ड, 5 कार्ड, 4 कार्ड, 3 कार्ड, 2 कार्ड, जैसे भी, यानी सबके कार्ड में जो आपको 1, 2, 3, 4 करके बटन मिलेगा। अब देखिए पासपोर्ट साइज फोटो में अगर आपको 4 फोटोज बनाना है तो आप यहाँ पे 4 फोटो जिस तरह से बना सकते हैं एक क्लिक में। और यहाँ पे इसके बाद अगर आपको 8 फोटो बनाना है तो आप 8 फोटो भी बना सकते हैं एक क्लिक में। A4 के पेज पर 6 फोटो बनाना तो आप 6 फोटो बना सकते हैं। A4 के पेज पर 12 फोटो बनाना है, 12 फोटो बना सकते हैं। ज्वाइंट फोटो भी आप बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ज्वाइंट फोटो का आपको फाइल मिलेगा इसमें, पैन कार्ड का मिलेगा, आधार कार्ड का मिलेगा, जो कि मैं यहाँ पे आधार कार्ड का दिखाया नहीं हूँ क्योंकि सबको ओपन करना, सबको प्रिंट करने में आपको इसमें सब कुछ मिलेगा। जनसेवा पर जितने भी कार्ड प्रिंटिंग के लिए आते हैं, जिस तरह से PVC कार्ड आप बनाते हैं उनको देते हैं, वो सारा काम आप एक ही फाइल से एक ही क्लिक में कर सकते हैं। और उन सब का अलग अलग वीडियो हम अपने चैनल पर बना दिए हैं। और अब हम आपको फोटोशॉप में लेके चलते हैं और आपको दिखा देंगे वो कौन सी एक्शन फाइल मिलेगी जिसके अंदर ये सब एक्शन आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले देखिए हमें अपना फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एक एक्शन फाइल मिलेगी, यहाँ पे इस तरह से आपके एक्शन फाइल का नाम आल एक्शन फाइल के नाम से होगा। तो आप जब इसको डाउनलोड करेंगे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाएंगे, छोटा सा पेमेंट करेंगे और ऑटोमेटिक जैसे आप पेमेंट करेंगे आपके ईमेल पर इजीली जो है इसका लिंक आ जाएगा डाउनलोड का। आप इसको डाउनलोड करके रख लेंगे और हमेशा आपके ईमेल पर ये एक्शन फाइल पड़ी रहेगी। आपका अगर PC भी फॉर्मेट हो जाता है, रिसेट कर देते हैं आप, उसके बाद दोबारा से आप डाउनलोड करने जाएंगे तो आपको बार बार मुझे मैसेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी ईमेल से डायरेक्ट इस फाइल को कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, लाइफ टाइम एक्सेस आपका रहेगा। ठीक, अब देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे एक्शन फाइल को लोड कर लिया है। अब आप भी अगर इसमें लोड करेंगे तो लोड करने के लिए यहाँ पे हिस्ट्री है, यहाँ पे एक्शन है, यहाँ पे टूल प्रीसेट है। तो आप में मान लीजिए इसका इंटरफेस कुछ अलग दिखाई दे तो हो सकता है, देखिए मैं विंडो पे जाता हूँ, वर्क स्पेस, और यहाँ पे रीसेट पैलेट पे, तो हो सकता है आपके सामने इस तरह से दिखाई दे, आपका स्क्रीन इस तरह से शो करे। तो हमें आप देखिए कलर, यहाँ पे नेविगेशन, यहाँ पे हिस्ट्री, यहाँ पे लेयर। तो हम अपने में हिस्ट्री को और कलर को तो नहीं रखते हैं क्योंकि हमें इनका ज़्यादा यूज नहीं होता है। हमें यहाँ पे देखिए हिस्ट्री वाला, एक्शन वाला, टूल प्रीसेट, इसको हम रखते हैं, बाकी लेयर को हम रखते हैं। तो आपको दोनों को डिलीट करके यहाँ पे एक्शन और फ्लिप टूल प्रीसेट और हिस्ट्री, आप अगर मान लीजिए कभी भी एक्शन आपने यूज नहीं किया तो आपका एक्शन पे क्लिक हो तो यहाँ पे डिफॉल्ट एक्शन के नाम से कुछ फाइल आएगी, तो आप उसको इस तरह सेलेक्ट कर देंगे और इस पर क्लिक करके डिलीट कर देंगे तो आपका डिलीट हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए अगर यहाँ पे आपकी कोई एक्शन फाइल नहीं है, आप एक्शन वाले या हिस्ट्री बगल में एक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अगर आपका खाली दिखाई दे तो इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए टूल प्रीसेट के आगे दो एरो है, इस एरो पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ढेर सारा ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे लोड एक्शन का बटन होगा, आप सिंपली लोड एक्शन पे क्लिक कर देंगे। आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे, आप जब पेमेंट करके डाउनलोड किए रहेंगे एक्शन फाइल को, उसको आपको इसमें सेलेक्ट करना होगा। तो हमने यहाँ पे देखिए एक्शन फाइल के नाम से एक फोल्डर हमारा है, उसमें हमने इसको लोड किया है। तो हम सिंपली ऑल एक्शन फाइल इस तरह से आपको भी आएगा, इसको आप सेलेक्ट करेंगे और लोड के बटन पर क्लिक कर देंगे। आप जैसे लोड पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह से आपका फाइल लोड हो जाएगा। मैं यहाँ देखिए सेम फाइल दो बार हो चुकी है, तो अब मैं मान लीजिए इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक, इसको हमने डिलीट कर दिया और आल एक्शन फाइल इस तरह से आ गया। अब इसके पहले दो बॉक्स है, पहला बॉक्स हमारा टिक है और दूसरा बॉक्स हमारा रेड कलर से भरा हुआ है। हर वीडियो में बताता हूँ कि दूसरा बॉक्स खाली होना चाहिए, लेकिन इसमें भी आपका सेम रहेगा, बस ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। आपको सिंपली इस बटन जो है बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने उसकी बटन का जो डायरेक्शन है नीचे की तरफ चला जाएगा, देखिए इस तरह से। देखिए यहाँ पे 4 फोटो, 8 फोटो, 6 फोटो, 12 फोटो, 1% 6 फोटो A4, 7% 6 फोटो A4, यानी कि अगर आपको अलग अलग कस्टमर का 6-6 फोटो बनाना है तो आपको अलग अलग कस्टमर का अलग अलग फोटो नहीं बनाना है। आप ऐसे मान लीजिए 5 का 6-6 फोटो बनाना है तो 5 लोगों का फोटो फोटोशॉप में ओपन करेंगे,
और यहाँ पे देखिए 5 पर्सन 6 फोटो, इसको क्लिक करके प्ले कर देंगे तो आपका 5 लोगों का 6-6 फोटो A4 के पेज पर ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो ए है, यहाँ पे देखिए आयुष्मान 1 कार्ड के लिए, 5 कार्ड के लिए, 4 कार्ड के लिए और यहाँ पे 10 कार्ड के लिए। इसी तरह से आभा कार्ड है और देखिए यहाँ पे 5 आधार कार्ड, 1 आधार कार्ड, 1 वोटर कार्ड, 5 वोटर कार्ड, 3 वोटर कार्ड। तो आपको जितना भी कार्ड जैसे प्रिंट करना, मान लीजिए 2 कस्टमर आते हैं, 2 का प्रिंट करना, तो 2 कार्ड ओपन करेंगे, 2 वाला बटन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आपको ईजी रहेगा। देखिए इधर नीचे पैन कार्ड है, ABC कार्ड है 1, 2, 3, 4, 5 के लिए और ईश्रम कार्ड है। अब देखिए ईश्रम कार्ड में फ्रेंड मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बता दिया ईश्रम की फाइल इसमें नहीं दिया था, लेकिन मैं इसमें ईश्रम की फाइल ऐड कर दिया हूँ। आप देखिए ईश्रम का फॉर्मेट जो है कुछ अलग तरीके से डाउनलोड हो रहा है, जैसे कि 1.5 MB का कार्ड आ रहा है किसी में, किसी में 1.7 MB से 2 MB के बीच में आ रहा है, किसी का 2 MB से लेकर के 2.5 MB तक आ रहा है, किसी का 3 MB। तो आपका किसी भी साइज का होगा, अगर आपको MB से नहीं लेना देना है तो आप क्या करेंगे, एक नीचे फाइल है ईश्रम कार्ड प्रिंट ऑल साइजेज का, आपको देखिए यहाँ पे बस इसको सेलेक्ट रख लेना। आप मान लीजिए 3 ईश्रम कार्ड ओपन कर देंगे और इसके बाद यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके प्ले कर देंगे, तो आप जैसे प्ले करेंगे तो आपका एक्शन फाइल क्या होगा कि वहाँ पे क्रॉपिंग के लिए रुकने लगेगा, तो आप अपने कार्ड को एडजस्ट कर लेंगे क्रॉपिंग में, फ्रंट साइड बैक साइड। इसके बाद आपको बस ओके कर देना है और 5 कार्ड ओपन करने के आपका 5 कार्ड जो फ्रंट बैक आ जाए, बस आपको उसको एडजस्ट करना होगा, क्योंकि साइज मान लीजिए किसी कार्ड की अलग है, किसी कार्ड की कम है, अगर एक्शन फाइल होती है तो स्पेसिफिक किसी एक ही साइज पर वर्क करती है। तो आपके पास अगर कोई भी मतलब अगर आपके पास PDF है, चाहे आयुष्मान का है, चाहे आभा का है, चाहे ईश्रम का है, चाहे वोटर का है, चाहे पैन का है, उसकी साइज अगर आपको नहीं पता है तो आप बस इसी ईश्रम वाला जो फाइल है इससे अगर चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं। उस पर डबल क्लिक करेंगे, फ्रंट साइड बस फ्रंट और बैक दोनों ऊपर नीचे होना चाहिए, उसको आप इजीली कर लेंगे। इन सभी की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड। जो मैंने आपको भी स्क्रीन शॉट दिखाया था PDF ओपन करके, वो सब मैंने यहीं से प्रिंट किया और इन्हीं सभी फाइलों से हमने प्रिंट किया था। और इन सब फाइलों को प्रिंट करने के लिए आपको मान लीजिए कि अगर आपने कोई फोटो ओपन किया, फोटो को क्रॉप करने का क्या साइज होता है, और ये आयुष्मान कार्ड इसको जब ओपन करेंगे तो उसका एक साइज आएगा, उसकी साइज हमें किस तरह से रखनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक PDF मिल जाएगा। उस PDF में आपको अलग अलग कार्ड का अलग अलग साइज, विड्थ, हाइट, रेजोल्यूशन सब कुछ मिलेगा, तो आप उसके हिसाब से कार्ड को ओपन कर लेना और हमेशा आपके ईमेल पर वो फाइलें पड़ी रहेंगी। तो इस तरह से आप इन सभी कार्डों को प्रिंट कर सकते हैं। बाकी इसमें देखिए ईश्रम का है, अगर आपको अभी ईश्रम प्रिंट करना है, आयुष्मान प्रिंट करना है, कुछ भी, तो आप हमारी इस फाइल से प्रिंट कर सकते हैं, जो कि इनकी अलग अलग वीडियो हमारे चैनल पे है और अलग अलग एक्शन फाइल में सबको देता हूँ। बस इसमें जो है मैंने सारी एक्शन फाइल को एक ही फाइल में ऑल एक्शन फाइल बना करके ऐड कर दी है। तो अगर आपको फ्रेंड ये वाली फाइल चाहिए तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी इशू आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट पर हमारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को तुरंत सोल्यूशन देंगे। और इसी तरह से अगर आपको कोई भी अलग या नई कार्ड की फाइल बनवानी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का कार्ड हो आप मुझे एक बार कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको जितना भी कार्ड बनवाना हो, जिसकी भी कार्ड की एक्शन फाइल बनवानी हो, आप मुझसे बनवा सकते हैं। सो फ्रेंड आशा करते हैं वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा और इन सभी का ट्यूटोरियल मैं जो है आपको प्लेलिस्ट दे दूंगा, उस प्लेलिस्ट में आप जो है देख लेना, और एक और वीडियो मैं उसको डाल दूंगा, उसमें भी आपको इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा, आप उनको इजीली वॉच कर लेना। बहुत लोग होते हैं कि मैं सोचते हैं कि इनको एक्शन फाइल भेजनी है, ये पूरा ट्यूटोरियल नहीं बता रहे, हमने पिछली वीडियो में बता दिया है, इसलिए मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें बताऊँगा तो आपको वीडियो ढेर लंबी हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद छोटी सी एक और वीडियो देख लेंगे, आपको सबको समझ, सेम इसी से सिमिलर वीडियो है, आप उनको देख लेंगे, आपको इजीली पता चल जाएगा और अपना कोई भी कार्ड, कोई भी फोटो आप इजीली 1 क्लिक के अंदर प्रिंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड आशा करते हैं वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, और अगर आप एक जनसेवा चलाते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि इन एक्शन फाइल से आपका बहुत सा समय बचेगा और आपका काम बहुत फास्ट होगा। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।